नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा फैसला भारतीय रेलवे ने आखिरकार ले लिया है, और आप लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे थे कि हमारे ट्रैक्स के साथ में बहुत सारी छेड़खानी हो रही है, बड़ी साजिशें रची जा रही हैं डिरेलमेंट कराने के लिए, और भारतीय रेलवे में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती दिख रही हैं। तो ऐसे में ट्रेन्स में, लोकोमोटिव्स में कैमरास लगाए जाएंगे, ये फैसला भारतीय रेलवे ने आखिरकार ले लिया है। कुछ वक्त से मैं इस न्यूज़ को सुनता आ रहा था, और आखिरकार अब इस पर कैबिनेट ने फैसला भी ले लिया है, और अब बहुत जल्दी ही इस पर टेंडर निकाले जाएंगे। अब सब कुछ हो क्या रहा है वो आपको बताता हूँ। देखिए, इंडियन रेलवेज ने तय किया है कि उसके यहाँ पर 40,000 कोचेस, 14,000 लोकोस और 6,000 EMUs जो होंगी उनके अंदर अब इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरेज लगाए जाएंगे। अब इसमें 40,000 कोचेस, आपको कुछ याद आ रहा है इस साल का बजट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ना। आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे अपने 40,000 कोचेस को एडवांस करने वाला है, जो अभी एग्जिस्टिंग 40,000 कोच होने वाले हैं, तो उसको लेकर के ये पहला कदम आप समझ सकते हैं। बजट के दौरान निर्मला सीतारमन जी ने यही कहा था कि वंदे भारत की तरह ही इन कोचेस के अंदर और फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। तो कैमरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप नॉर्मल कोचेस में आपको देखने को मिलेगी। तो तय किया गया है कि एक कोच में लगभग 6 कैमराज होंगे, और इसमें लोकोमोटिव की अगर बात करें तो लोकोज में 4 कैमरा होंगे, और अगर लोकोमोटिव के कैमराज की बात करें तो साइड में भी होंगे, फ्रंट में भी होंगे लोको के, जिससे कि एक ट्रैक की भी निगरानी अच्छे से हो सकेगी। इसलिए बताया जा रहा है कि लोको के कैटल गार्ड में भी कैमरा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है। और ट्रेन के जो आखिरी कोच होता है, गार्ड का कोच, उसमें भी साइड में और बैक में और फ्रंट में कैमरा लगे होंगे। और जो ये गार्ड के आखिरी कोच में और लोको के बिल्कुल फ्रंट में, या फिर हम लोग कैटल गार्ड के कैमरे की बात करें, ये वही कैमरे होने वाले हैं जो कि नाइट में भी देख सकते हैं, और इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी अलर्ट जो है ये देंगे लोको पायलट को। अब इसका टेंडर कैसे होने वाला है वो आपको बताता हूँ, और साथ में एक बात और बताऊंगा इन कैमरेज की, जो कि आप लोग जरूर से जानिएगा। ये जो पूरा टेंडर होने वाला है 75,00,000 कैमरेज का होगा, लोकोमोटिव्स और ट्रेन्स में जो लगने वाले हैं, और 15,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट इस पर आने वाली है। इस तरीके के कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे सर्विलांस सिस्टम तैयार करना है, भारतीय रेलवे को अच्छा एक्सपीरियंस अब हो चुका है अपने रेलवे स्टेशन से, जहां पर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करके इस तरीके के कैमरे को लगाया, और बहुत अच्छा वहां पर उनको फीडबैक भी मिला, और बहुत अच्छा डाटा भी अब इकट्ठा हो चुका है। और ये कैमरे जब ट्रेन में लगेंगे तो फिर बहुत सारा डाटा जनरेट होगा, उससे कहीं ना कहीं निगरानी बढ़ेगी ट्रैक्स की भी, और एक रूट के बारे में भी एक स्पेसिफिक जानकारी मिल जाया करेगी हर साल, अगर हम एनालिसिस करना चाहें डाटा का कि इस रूट में क्या क्या चेंजेस आए समय के साथ में। IoT बेस्ड, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड कैमरा है, तो रियल टाइम बेसिस पे डाटा फीड भी होगा, और सीधा डेटा सेंटर पर ये डाटा जाएगा, इसलिए डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके टेंडर्स के लिए मल्टीपल वेंडर्स को विद इन 12 मंथ में काम दिया जाएगा, ताकि तेजी से काम हो सके। कई सारे वेंडर काम करेंगे तो ये जो है टारगेट पूरा हो सकेगा, बहुत बड़ा टारगेट है 75,00,000 कैमरेज का। अभी तक हमारे अगर वैगन्स की बात करें तो माल गाड़ियों में हमारे जो वैगन्स है उनके ऊपर सिर्फ RFID ही लगा होता था, जिससे उनकी लोकेशन स्कैन हो पाती थी, पता लग पाती थी, लेकिन अब ये सिस्टम भी पूरी तरीके से सर्विलांस बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट होगा, और अच्छे से निगरानी रखी जा सकेगी अब हमारी माल गाड़ियों की भी। तो आने वाले 3 महीनों के अंदर ये टेंडर्स आपको खुलते दिखेंगे, और अक्टूबर में आप लोगों को पहला टेंडर देखने को मिल जाएगा। तो लगातार ट्रेन्स और ट्रैक्स के साथ में हो रही छेड़खानी को देखते हुए अभी एक कदम, एक बहुत बड़ा कदम है। अब आखिरकार भारतीय रेलवे ने वो आंसर दे दिया है जो हम बहुत टाइम से उनसे मांग रहे थे सेफ्टी को लेकर के, और अब बड़ी न्यू रख दी गई है आगे आने वाले सालों के लिए, क्योंकि कवच जैसा सिस्टम लग रहा है। साथ में अगर ये कैमरास भी लग जाएंगे ना, तो रेलवे बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, और हम लोगों को आने वाले सालों में वो फर्क देखने को भी मिलेगा। तो बेस तैयार हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा, यहाँ पे जनरेट होगा हमारा बहुत सारा रोजगार, CCTVs के कैमरास बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है भाग लेने की इस तरीके की टेंडर्स में। तो एक बहुत ही अहम कदम था, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसके बारे में जो भी जानकारी मुझे आगे मिलती रहेगी, ये टेंडर आखिर कैसे खुलेंगे, फिर आगे ये प्रोसेस जो पूरा लगाने का होगा कैसे चलेगा, ये CCTV कैमरास किस तरीके से ऐसे लगाए जाएं कि ये चोरी भी ना हो सके, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है भारतीय रेलवे में, चीज़ें चोरी भी हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या डिजाइनिंग होगी इन कैमरास की, और कौन इसको करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।